हेलो जी, शाम हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं। बर्तन बर्तन मैं कर गई थी, चाहे कितने ही बर्तन कर लो फिर भी सिंक खाली नहीं होता। देखो फिर बर्तन आ गया सिंक में। और मैं क्या सोच रही थी कि आज ना फ्रिज पूरा खाली कर देती हूँ, दो दो दिन की सब्जियाँ बची हुई हैं सब फेंक दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ काली पीली दाल, माँ और चने की दाल, क्योंकि चावल भी रखे हैं थोड़े से, थोड़े और बना दूँगी तो उसके साथ हमारे यहाँ पे चावल खाते हैं। चलिए मैं एक बार शुरू करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको एक विस्सिल करवाऊँगी। मेरी बुढ़ी अम्मा देखो कंबल डाला है, नहाया है ना आज, तो बाहर सोफे पे ऐसे ही लेटा हुआ था ऐसे कुकड़ी बन के, कंबल डाला है तो उधर से इधर आ गया देखो कंबल लेके। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा। दाल चढ़ा दी है पर कुकर खराब हो गया, सारा पानी निकल गया था पहले भी, तो पता नहीं कैसा होगा, तो इसलिए मैं सिम पे रख रही हूँ उसको भी, और चावल भी चढ़ा दिए। अब मैं चलाने जा रही हूँ जोत, जोत चलाते हैं उसके बाद नेक्स्ट काम देखेंगे। सीटी नहीं हो रही है। अब देखो इस रूम का हाल, कल भी मैंने ठीक किया था और आज भी देख लो क्या हाल हो रखा है। मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं हो सकता, जेंट्स तो जेंट्स ही रहेंगे। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ना देखो, दिया के पापा के तो उधर हैं, दिया के और सैमी के कपड़े ढेर पे ढेर लगाती जाऊँगी वहीं पड़े रहेंगे, उठाते ही नहीं है। चलिए थोड़ी स्टीम बने, निकल के चावल भी मैंने बाहर निकाल दिए, कुकर खाली कर दूंगी, एक बार वो चावल बन जाए फिर उसी में डाल दूंगी। आती हूँ मैं 10 मिनट। बाप रे बाप, इतनी ओवर ईटिंग कर ली है, पेट बाहर आ गया मेरा। दाल स्वाद बनी थी, टेस्टिंग में दो पापड़ के साथ एक कटोरी दाल खा ली, उसके बाद फिर अभी सैमी आया तो सैमी के साथ खाना खाने के लिए चावल भी खा लिए। अब ऐसे हो गया, पेट आफर गया इतना, आपको आफर गया समझ आएगा नहीं आएगा, मतलब ओवर ईटिंग हो गई है, पेट मतलब बैठा नहीं जा रहा। तो मैं खड़ी हूँ कमरे में ही, चक्कर काट रही हूँ क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया वो बेटा मेरा, कह रहा नहीं बाहर मत आना क्योंकि वो बाहर गाने चला के डांस कर रहा है, ये हाल है। दिया जस्ट अभी गई है, आज से मैं डाइटिंग पे हूँ, मैंने बहुत मस्ती कर ली, बहुत कुछ खा लिया, अब मैं डाइट करूँगी तो अब मैं डाइट का ही फूड खाऊँगी। तो खाना नहीं खाया उसने कुछ भी, बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से मैंने उसको आधी पराठी खिलाई जाने से पहले, और लेके भी गई है 2 पराठे सिर्फ। और बताओ 15-16 घंटे ड्यूटी करनी है, बहुत निकम्मी औलाद है मेरी, बिल्कुल कहना नहीं मानती, कोई बात नहीं प्यारी है। चलिए गुड बाय करने के लिए आई थी मैं, बस बेड वेड झाड़ लिया है, कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और बस उसके बाद फिर लेटूंगी, सोऊंगी तो नहीं क्योंकि अभी बहुत काम है, घर के काम हो गए, अब फ़ोन का काम है। और उम्मीद कर रही हूँ कि कल विनीता आ जाएगी, तो मैंने आज बर्तन नहीं मांजे हैं, अगर ना आई तो सुबह मांजूंगी, अभी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल का दिन फिर नई चीज़ें लाएगा, होपफुली अच्छा बीतेगा, अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स मैं डालती हूँ उसको भी चेक कीजिए, उसमें मैं अपनी जो फुल रेसिपीज़ होती हैं, जो वीडियोज़ में कम्प्लीट मैं नहीं दिखा पाती क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, तो मैं उसमें डालती हूँ कुछ जो रेसिपीज़ दिखाने वाली होती हैं, जो कई तरह से मैं यूज़ करती हूँ, कई तरह से बनाती हूँ, तो शॉर्ट में बना के मैं उसमें डालती हूँ, आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शॉर्ट्स वीडियो को भी प्यार दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, साथ रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे हम साथ मिल के। बाय, गुड मॉर्निंग जी, सुबह आज थैंक गॉड टाइम से हो गई थी, 9 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि आज समृद्ध को स्कूल ज़रूर जाना है, आज उसका एग्ज़ाम है,
तो अभी बस उसको चाय पिलाई है क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है उसका, सारी रात खाऊँ 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 करता रहा है। तो अभी बस चाय पिलाई है, तो अभी ना बर्तनों का बहुत ढेर है और विनीता का कुछ अता पता नहीं है कि वो आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो आई थॉट कि मैं थोड़े बर्तन निकाल लेती हूँ तब तक, एक सेकेंड। तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़े से बर्तन निकाल लेती हूँ क्योंकि चावल दाल ही गर्म करके देना है उसको, और अगर नाश्ते में कहेगा तो ब्रेड ऑमलेट मैंने सोचा उसको खिला दूँगी, थोड़ी गर्माइश रहेगी। तो पहले मैं थोड़े से बर्तन मांजती हूँ, उसके बाद और कोई काम देखती हूँ। अभी रिया भी आने वाली है, चलो। गया सारा काम, पंखा क्यों तेज किया हुआ, पानी ही नहीं आ रहा और टंकी में भी पानी नहीं है। मतलब साहब ने सुबह मोटर नहीं चलाई, रात को मैं तो चला के सोती हूँ एक बार, टंकी फुल करके सोती हूँ, पर क्या होता है सुबह सुबह वॉशरूम सब जाते हैं ना, तो 300 लीटर की तो टंकी है, बहुत जल्दी खाली हो जाती है। तो अब मैंने इधर से मशीन भी लगा रखी है वुलंस के लिए, और वुलंस में आपको पता पानी ज़्यादा लगता है, उधर मैंने बर्तन भी मांज दिए हैं, अब टंकी खाली हो चुकी है और मोटर में पानी आ नहीं रहा। सेमी भी बेचारा नहा नहीं पाएगा और अब वॉशरूम भी नहीं जा सकते, फंस गए। एक गलती किसी इंसान की घर में होती है और भुगतना सबको पड़ता है। रोज़ का काम है कि उठते ही मोटर चलानी ही चलानी है, फिर भी पता नहीं क्यों मतलब लापरवाही इन लोगों से ही होती है, जेंट्स लोगों से ही होती है, इन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी किसी चीज़ की। और फिर मुझे सब कहते हैं कि तू तो कलपती रहती है, अब बंदा वॉशरूम भी नहीं जा सकता। दिया अभी आने वाली है, वो आएगी ऑफिस से, उसको नहाना धोना वॉशरूम जाना मुंह हाथ धोना, मुंह हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है, बताओ। गुस्सा आ रहा है मुझे, और पता कितनी देर से मोटर चला के बैठा हुआ है सैमी, गीजर भी चला रखा है मोटर भी चला रखा है, हवा भर गई होगी अब मोटर में, अब वो हवा जब तक प्लम्बर को नहीं बुलाऊंगी, हवा नहीं निकलवाऊंगी तब तक पानी नहीं आएगा, या वेट करना पड़ेगा। चलो यार अब काम तो अटक ही गया है, कुछ और देखती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू ही लगा लेती हूँ फिर, या अभी तो उसका टिफ़िन भी बना के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, नाश्ता वो कर नहीं रहा, उसको मंदिर जाना है तो अंडा ब्रेड वो खाएगा नहीं जब तक मंदिर होके नहीं आता, पूरा काम अटक गया जी। क्या बोलूँ, कितनी बार मोटर चला चला के चेक कर चुकी हूँ, पानी नहीं आ रहा, मैं भी मुँह हाथ धो के, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी आया था तो मुँह हाथ धो के और कपड़े चेंज कर लिए हैं, बस दोबारा मोटर चलाई है इस प्रेशर में, देखें टंकी कैसे भरेगी यार। पर चलो आ तो रहा है ना, मोटर चला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मशीन में एज इट इज़ पड़े हुए हैं कपड़े। और ये देखो इसको, इस भाई साहब को देखो, पूरे बेड पे फैल के सो रहा है, वो बुलाती रही उधर के मेरे पास सो जा मेरे पास सो जा, नहीं गया आज, पॉज कर रखी थी मशीन मैंने, दोबारा से चला रही हूँ। चलो मैं थोड़ा किचन का काम और कपड़ों का काम देख लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। आज ज़्यादा काम हो नहीं रहा मुझसे, व्लॉगिंग भी नहीं हो रही क्योंकि मेरे ना नीचे लोअर अब्डोमन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एक्चुअली 2-3 दिन से क्या हो रहा था, यूरिन का इशू हो रहा था, बार बार यूरिन आ रहा था, और वॉशरूम से आने के बाद भी थोड़ा 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 ना ऐसे जैसे लेडीज़ को हो जाती है ना प्रॉब्लम, तो वैसा फील हो रहा था, और एकदम झटके से अगर मैं उठ रही थी या बैठ रही थी ना तो नीचे बहुत पेन हो रहा था, ये राइट साइड में पेल्विक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अभी आज क्या हुआ है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम पेन हो रहा है, मैं उठा बैठा नहीं जा रहा। अभी थोड़ी देर बैठ के मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, सिर्फ दो मेरे जो हैं पार्टी वेयर सूट बाहर रह गए थे
वो मुझे ध्यान नहीं था कि कपड़ों की गांठ में पड़े हुए हैं, बस वो रह गए हैं। बाकी सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए जो साथ साथ मैंने बोला था कि मैं कर दूंगी और कर नहीं पाई थी, तो आज मैंने कंप्लीट कर दिया गांठ। सिर्फ एक ट्राउज़र रह गया मेरा और दो सूट रह गए हैं पार्टी वेयर वाले। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, टांगने की भी जगह नहीं है, और वुलन्स नीचे जो पड़े हैं मैं नीचे बैठ के रख नहीं पा रही हूँ कपड़े, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, बस दो सूट रह गए। बाकी मैंने ग्लव जो है एक ऑलमोस्ट पूरा कर लिया, बस इतना सा रह गया क्लोज करने पे ऊन, तो ब्लैक कलर की ऊन है ना, तो अंदर लाइट जलाए नहीं सकती थी, तो वो मैंने अभी रोक दिया है क्योंकि कंप्लीट करने के लिए, लॉक करने के लिए मुझे लाइट चाहिए। तो सोचा कि थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद बाहर ही लेके बैठ जाऊँगी और तब कर लूँगी। तो अब मैं आई हूँ कंगी वंगी करने, क्योंकि मुँह हाथ तो धो लिया, अब चौकटा भी तो ठीक कर लूँ। कल भी पूरा दिन कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ नहीं मतलब कंगी तक नहीं की थी, ऐसे ही पूरा व्लॉग किया था मैंने। आप भी सोचते होंगे ना, कभी तो ऐसे चमको चमको हो जाती है और कभी बिल्कुल ही डल हो जाती है, होता है ना कभी कभी, बिल्कुल मन नहीं करता यार, अंदर से तबीयत ठीक ना लग रही हो ना, कुछ करने का मन नहीं करता। चलो यार मैं बोलने पे आती हूँ ना, मैं रुकती हूँ, रुक जाऊँ, आती हूँ। क्या करूँ यार, ये रोज का ही मेरा काम हो गया, रोज इस टाइम आके ना 3 से 6 बजे तक के बीच में कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। थोड़ा बहुत चलो रील बना ली 2-4, थोड़ा बहुत काम कर लिया। सुबह से तो मैं लगी खुल के बाद सुबह से तो मैं लगी हुई हूँ, सुबह बर्तन मांजे, किचन साफ की, बच्चों को खाना खिलाया, दिया आ गई थी, दिया को नाश्ता कराया, खुद भी नाश्ता किया, आज मैंने भी ब्रेड ऑमलेट ही खाया। फिर उसके बाद पानी का चक्कर पड़ गया, फिर बुलेंस धोए, स्वेटर्स वगैरह, और झाड़ू लगाया। अभी बाथरूम बैल्कनी सब धो के आई हूँ क्योंकि मशीन अब फारिग हुई है। बर्तन अभी भी देखो, पानी नहीं था ना तो वापस से देखो ढेर लग गया। अब समझ नहीं आ रहा था, भूख भी लग रही थी और कुछ चपाती वपाती खाने का तो मन है नहीं मेरा आजकल। मुझसे ना रोटी खाई जा रही है ना चावल, रात को भी दाल चावल थोड़े से खाए थे, दाल जो पापड़ के साथ खाई थी वो मज़े लेके खाई थी, दाल चावल अभी भी रखे हुए हैं मिक्स किए हुए, समृद्ध को दिए थे टिफिन में, अभी भी हैं, बट वो बोल रहा था मैं आके खाऊंगा। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय, चाय के साथ बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, सब पड़ा बहुत कुछ हुआ है, मैक्रोनी है, सेवियाँ हैं, मखाने हैं, फुल मखाने भी हैं, सब कुछ है, सूजी भी है, मैदा भी है, बेसन भी है, सब कुछ है, पर मेरे ना कुछ इन सब चीज़ों का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप लोगों को मैगी अच्छी लगती है कैसी, ड्राई, सूपी या थोड़ा सा पानी? मुझे बिल्कुल ड्राई पसंद है, दिया को थोड़ी सूपी पसंद है, समृद्ध को एक्स्ट्रा मसाले वाली पसंद है। मैंने बताया था ना वो अपने लिए जब बनाता है तो नमक मिर्च ऊपर से और डालता है, और उसके पापा को प्याज टमाटर वाली पसंद है, कच्चे पक्के प्याज और लंबे लंबे कटे हुए टमाटर डाल के पहले बनाती थी कभी कभार मैं, अब बच्चे जब से बनाने लग गए मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, इवन मेरे लिए भी जो है वो समृद्धि बना देता है। तो अब ये मैंने बना तो ली है, मुझे पता मैं इतनी सारी खा नहीं पाऊँगी एक्चुअली, कुछ चूरा चूरा सा एक पैकेट में बचा हुआ था मैंने वो भी डाल दिया एक मैगी के साथ, तो एक्स्ट्रा तो कर लिया, सैमी खुश हो जाएगा, आएगा तो उसको मिल जाएगी खाने को, वो तो ठंडी भी खा लेता है, बची हुई हो ठंडी भी खा लेता है। चाय भी मेरी बन गई है, बस उबाले आ गए हैं चाय को भी, दोनों साइड ध्यान देना पड़ रहा है, वीडियो दोनों साइड ध्यान देना पड़ रहा है और वीडियो को भी देखना पड़ रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले ये बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे आराम से मिलती हूँ। हाँ बोलो, स्टिक तो खा ली, ये देखिए एक टुकड़ा ये भी पड़ा स्टिक का, ये देख दिख रहा है अन्ने। मैं ग्लव का दूसरा वाला पेयर बना रही थी, और ये देखो पहले इसने हल्ला मचाया कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए, मैंने इसको स्टिक दे दी, अब ये फिर मुझे बाहर लेके आया, देखो क्या करूँ, तेरी भाषा तो समझ आए मुझे,
कहाँ जाना है, कहाँ जाना है कोको? देखो इसको, कोको कहाँ जाना है, क्या करना है? पानी पी लिया? आलू खा ले, आलू, आलू कहाँ है आलू? जा जा आलू खा ले। खाने के मामले में इसने इतना तंग किया हुआ है ना, इतना तंग किया हुआ है मैं बता नहीं सकती। दूध थोड़ा सा डाला था आज, 4 या 5 दिन बाद ऐसा हुआ है कि इसने दूध पी लिया, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, पी लिया। खाना डाल के रखा हुआ है पराठी और आलू की सब्जी, आलू खाता है शौक से। देखो अब मुझे कह रहा है यहाँ बैठ मेरे साथ, बस यहाँ बैठू। ये देखो क्या, हाँ क्या, आलू खाए? आलू जा आलू खा ले, आ जा, आ आलू खिलाऊ। खाना भी है अजीब मार के बता रहा, भूख भी लगी है, चला आलू खिलाऊ, चल आ जा आ जा। इसको हाथ से ठूसना पड़ेगा मुझे।